दोस्तों, मैं संतोष निकम, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइज, आज की वीडियो को शुरू करेंगे। कल जो भी मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे उनके साथ में, तो गाइज कल मैंने आपको कहा था 35,000 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हो जाएगी। लेकिन गाइज देखिए, आज इसने यहाँ पर भी एक पिन मारा था, यहाँ पर भी एकदम टॉप में आपको स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल मिली थी, उसके बाद में बैंक निफ्टी में फॉल हुआ था। कंप्लीट एक रेंज बाउंड में था, 34,800 से लेके 35,000 का बीच में ही था आज। कोई भी परफेक्ट एंट्री दोनों में से किसी भी साइड में नहीं आई थी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको इस ट्रेड के बीच में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन पता है या फिर आप एक एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, प्राइस एक्शन जानते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस जानते हैं, तो ही आप लोग इसके बीच में ट्रेड करें। लेकिन गाइस, देखने वाली चीज़ ये है कि देखिए ये कितना रिस्पेक्ट कर रहा था इन्हीं लेवल्स को, एग्जैक्टली रिवर्सल जो है इन्हीं लेवल से ये आपको रिवर्सल भी दे रहा था। उसके बाद में गाइस जो निफ्टी के लेवल्स थे, निफ्टी के लेवल्स को देखिए, निफ्टी 15,700 के नीचे बियरिश होने वाली थी, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैंने आपको फर्स्ट लेवल दिया था वो 15,670 का दिया था। गाइस देखिए, इसी लेवल से रिवर्सल स्टार्ट हो गया, इसी को इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से और एक बार आपको यहीं पर एंट्री मिली। उसके बाद में गाइस देखिए, यहाँ पे बनी थी एक इनसाइड कैंडल। अगर आप लोगों को पता है प्राइस एक्शन क्या होता है, तो इस लेवल पे आपको और एक एंट्री मिली थी जिसमें काफ़ी शानदार रैली जो है अपसाइड में मिली थी। उसके बाद में मैंने खुद ने भी कोई ट्रेड नहीं किया था, मैंने पूरे दिन भर में गाइज ये जो फॉल था इसमें एक पी का ट्रेड करवाया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, और इस लेवल पर एक सी का कॉल करवाया था, और एग्जैक्टली इसी लेवल पर पी भी एक दी थी जो इस टारगेट के लिए मैंने दी थी। ये सारे सी पी जो मैंने तीन कॉल्स दिए थे आपको आज पूरे दिन भर में, इनके स्नैपशॉट जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करके रखे हुए, उनको चेक कर लीजिए कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कितना सक्सेसफुल होता है और क्यों मेरा सक्सेस का रेशियो इतना अच्छा है। उसके बाद में गए जो हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आपको कल तीन कॉल्स दिए थे उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो गाइज SRT फिनांस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करना है। इस लेवल में देखिए गाइज 1349 के नीचे आपको इसको सेल करना था, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं है तो गाइज हमारा सेल एक्टिवेट नहीं हो गया था। बाई साइड में 1353 के 58 के ऊपर आप लोगों को बाई करना था, 1362, 1366, 1370 का एग्जैक्टली हाई लगा के इसी लेवल से इसने रिवर्सल दिया है। लेकिन हमारे जो तीनों टारगेट थे, तीनों टारगेट इसने हमें दे दिए। उसके बाद में गाइस देखिए, हैवेल्स का जो कॉल है, हैवेल्स ऊपर के साइड में इसने क्लोजिंग नहीं दिया था, यानी कि इसका बाई एक्टिवेट नहीं हुआ था। इस लेवल पे इसका सेल साइड एक्टिवेट हो गया था, लेकिन टाइम देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ कि गाइस 1:30 या 2 बजे के बाद में इंट्राडे के ट्रेड्स में आप लोगों को अवॉइड करना है ट्रेडिंग करना, यानी कि ये पूरा दिन भर आपके लिए ये कॉल एक्टिवेट नहीं हो गया था। उसके बाद में गाइस लुपिन देखिए, लुपिन इस लेवल पे आप लोग इसको बाई कर सकते थे। 1149 का लेवल था, 1156, 1162 दो लेवल्स इसने दिए। हालांकि इसने तीन लेवल्स को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना था, डायरेक्टली चला गया था, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ पर ये एक्टिवेशन हुआ था, इस लेवल से आपको टारगेट 2 जो है इसमें आराम से मिल गया। इसके बाद में गाइस हम लोग देखेंगे जो कल के दिन के लिए मेरे कॉल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। उससे पहले गाइज 70 एपिसोड्स तक हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। आज के दिन जो भी मैंने आपको कॉल्स दिए थे कल के वीडियो में, शानदार मोमेंटम दिया है उन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ में। आज भी हम डे जो है वो क्लोज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कह चुका हूँ कि मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं पूरा 365 एपिसोड जो है वो आप लोगों को विदाउट स्टॉप लॉस के प्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया आ सके कि स्टॉक मार्केट जो है ये गैम्बलिंग का गेम नहीं, ये स्टडी और टेक्निकल एनालिसिस का गेम है। अगर आप लोग प्रेडिक्शन करना सीख लेते हो तो लॉस कभी नहीं होता है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में लॉस कभी नहीं होता। तो गाइस चलिए शुरू करेंगे कल के दिन के लिए स्टॉक्स के साथ में कि कल के दिन के लिए क्या स्टॉक्स रहेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो भी मैं यहाँ पे अपने ब्लास्टिंग कॉल्स देता हूँ, साथ में जो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैजिकल लेवल्स देता हूँ, उनके सारे अपडेट्स आप लोगों तक आ सके। साथ में जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ आने वाले टाइम में या फिर पिछले जो भी पोस्ट किया हूँ उन सारे के अपडेट्स आप लोगों तक मिल सके, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं कैश के कुछ कॉल्स देते रहता हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग में भी मुझे कुछ अच्छे कॉल्स लगते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो वो भी पोस्ट करते रहता हूँ, उसके अपडेट्स आप लोगों को तो मिल सकते हैं। तो गाइस मेरी पहली कॉल रहेगी टाइटन की।
टाइटन को आप लोग 1757 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 1746 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाई का एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होगी। मैं 5 मिनट के टाइम प्रेफर करता हूँ, आप 3 मिनट अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। 1761, 1766, 1772 आपका अपसाइड में लेवल रहेगा। इनकेस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 1746 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। 1757 स्टॉप लॉस रहेगा। 1743, 1739, 1735 डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। गाइज आपको जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया, आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेलिंग पे रखना है, ताकि अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो आप लोगों को मिनिमम प्रॉफिट जो है वो मिल जाए, और ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रॉबिलिटी सेम ट्रेड में आप लोगों को बनी रहे। सेकेंड कॉल रहेगी गाइज औरोबिंदो फार्मा की, यानी कि औरो फार्मा की 1002 के ऊपर हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 991 के स्टॉप लॉस के साथ में। 1009, 1015, 1022 आपके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इन केस इसमें बाइंग नहीं आती तो 991 के नीचे आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। 1002 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 986, 982 और 978 आपके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। जो थर्ड कॉल रहेगी गाइज ये रहेगी भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज को आप लोग 775 के ऊपर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 766 का। 778, 781, 784 आपके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती तो 766 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हो। 776 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 764, 761 और 758 आपके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी के लेवल्स क्या है। निफ्टी के सारे लेवल्स गाइज मैं फ्यूचर के चार्ट पे देता हूँ, आप लोगों को भी फ्यूचर के चार्ट पे ही इन्हें अप्लाई करना है। सारे लाइंस को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए, ताकि लेवल टू लेवल जो भी प्राइस एक्शन बन जाएगा उसको कैच करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। 15,770 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगी। 15,800, 15,830, 15,861, 15,903 आपके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती तो 15,700 के नीचे इसको आप लोग सेल कर सकते हैं, या कि यानी पी ई बाई कर सकते हैं। 15,674, 15,645, 15,617 और 15,577 आपके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में गाइस बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर के लेवल से आप लोगों को इन्हें फ्यूचर के लेवल्स पे ही अप्लाई करना है। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी। 35,106, 35,225, 35,340 और 35,503 ये आपके लेवल्स रहेंगे। अगर गाइस आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो आपसे और मेरी प्रीमियम जो सर्विसेज है उन्हें अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हो, जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी कॉल्स दे रहा हूँ इतने दिन से 70 एपिसोड से कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है, तो आप उसकी भी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, क्या टाइप के कॉल्स हो सकते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर वो सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन बाइंग की कॉल्स मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है LSBlue का। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, आप वो अकाउंट ओपन करके उसके थ्रू मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रीमियम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है आप इमेजिन कर सकते हैं। टेलीग्राम में उसके स्नैपशॉट्स भी डाले हुए हैं, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस बैंक निफ्टी में अगर बाइंग नहीं आती है तो 34,870 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 34,784, 34,690, 34,600 और 34,466 आपके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। जैसे कि गाइज मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि फ्राइडे और मंडे के दिन मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट साइडवेज होता है, सेफली ट्रेड कीजिए, और जब तक आपको कंफर्म ना मिले 11 से पहले ट्रेड हो तो ही मैक्सिमम जो भी आपका क्वांटिटी है उसमें ट्रेड कीजिए, या फिर उसके बाद वाला ब्रेकआउट वाला ट्रेड कीजिए। उससे पहले गाइस जो भी ट्रेड आते हैं ट्रेड मत कीजिए, इसके बीच में जो भी ट्रेड आते हैं, क्योंकि मंडे और फ्राइडे के दिन ज़्यादातर टाइम पे बैंक निफ्टी जो होता है वो साइडवेज होता है, निफ्टी जो होता है वो साइडवेज होता है, उसमें प्रीमियम डीके जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गाइस सेफली ट्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।